मंदिर में कंप्लेन डालते हैं, कंप्लेन सुनते ही नहीं। यहाँ पे जो भक्त आते होंगे मंदिर में उन्हें तो काफ़ी समस्या है, तो बहुत परेशानी से आते हैं, मुँह ढक के आते हैं अपना मंदिर में, कौन से भक्त ठीक नहीं। कोई गाड़ी वाला यहाँ से निकले उनका पहिया स्लिप कटिए वो गिर पड़े। यहाँ जो फुल गुंडागर्दी है, कोई ऐसे मतलब किसी की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ इतना बुरा हाल है बसई के अंदर, अगर आप शाम को आप घुस नहीं सकते हो, गाड़ियाँ घुस नहीं सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सॉवरेन टीवी और मैं हूँ आपके साथ सुमित कुमार। धर्म को लेकर काम करने की बात आती है तो काम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हर पार्टी यहाँ पे भगवान और धर्म के नाम पे राजनीति करती है, पर सीन क्या है आप देख सकते हैं। मेरे पीछे जगन्नाथ मंदिर है और एक बार मैं जगन्नाथ मंदिर के बगल का आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा कि क्या है। बगल में ही कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, जहाँ पर कूड़ा पड़ा रहता है और कितने सारे आवारा पशु यहाँ पर हैं जो क्योंकि कूड़ा खा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है। हाँ जी, ऐसे पड़ा रहता है, कौन सा यहाँ से यहाँ तक रोड तक पूरा कचरा ही कचरा घुमा रहता है। बारिश के टाइम में तो और बुरी हालत हो जाती है, हालत एकदम खड़ा नहीं हुआ जा रहा था यहाँ पे, बहुत इतना मुसीबत में हम लोग खड़े होते हैं कि कोई सफाई न कोई कुछ नहीं होता। अच्छा, मंदिर के बगल में कूड़ा इस तरह पड़ा हुआ है तो क्या इसको लेकर कभी कंप्लेन नहीं डालते हैं कि भाई मंदिर है बगल में, भगवान का स्थान है? मंदिर में कंप्लेन डालते हैं, कंप्लेन सुनते ही नहीं। हाँ जी, कोई कूड़ा उठाने आते हैं? कूड़ा उठाने वाली गाड़ी कभी कभी आती है। हाँ जी, हालत जस की तस, जस की जस, कोई सफाई में कोई मीटर नहीं आया। और ये गायें यहाँ पर रहती हैं, गायें भी कूड़ा खाती हैं? हाँ जी, गाय कूड़ा खाती है। कभी ऐसा भी हो गया है क्या यहाँ पर कि गाय कूड़ा खाने से या जो है गंदगी जो उनके अंदर जाएगी तो उन्हें बीमारी या फिर कभी मौत हो जाती? बीमारी तो पड़ेगी पड़ेगी, उसकी हो ही जाती है। यहाँ पे जो भक्त आते होंगे मंदिर में उन्हें तो काफ़ी समस्या हो, बहुत परेशानी से आते हैं, मुंह ढक के आते हैं अपना मंदिर में, कौन से मत्था टेकने में। यहीं पे रहते हैं भाई साहब जी? क्या कहेंगे, मंदिर के बगल में ही कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है, धर्म के नाम पे राजनीति हर पार्टी करने लगती है, लेकिन जब इस तरह के हालात दिखेंगे तो क्या तो सही नहीं है ये। आप यहाँ पे कितने साल से? नहीं, मैं तो बहुत 2-4 महीने से। अच्छा, 2-4 महीने से रहना, लेकिन क्या 2-4 महीने में ऐसी स्थिति थी या अब बिगड़ी है? नहीं नहीं, इसके पहले भी थी ऐसी। हाँ, क्या कहेंगे, जिस तरह मंदिर है यहाँ पे लोग पूजा करने आते हैं, आप भी अगर पूजा करने जाते होंगे या कोई भी जाएगा पूजा स्थलों पर, तो ऐसे हालात रहेंगे तो कैसे फिर पूजा होगी या भगवान को लोग याद, काफ़ी बदबू आ? हाँ, ये तो गलत है, सही नहीं है। कदम उठाया जाता, कभी आपको लगता है यहाँ से कूड़ा उठाया गया हो या नहीं? यहाँ तो एक कूड़ा उठाते हैं ऐसे कुछ नहीं है, बट साफ़ सफाई रखना चाहिए मंदिर के बगल में। हाँ, ये साफ़ सफाई रखना चाहिए मंदिर के बगल में। खट्टे कभी है यहाँ तक कूड़ा जड़ा है, उसको ऐसे कोई कस्टमर नहीं आता, गंदी कहते गंदगी वजह से क्या आएंगे। दूसरा नंबर दोनों तरफ मंदिर है, इसमें हो जाना उसमें हर दूसरे तीसरे रोज पूजा होता है, तो उनको ना आने जाने में दिक्कत होती है। अच्छा, कितने साल से ऐसे ही हाल, मतलब कितने साल पहले ये कूड़ा घर? ये कूड़ा तो खैर हम लोग जब से यहाँ पे रह रहे हैं जब से कूड़ादान है, लेकिन हम लोग पहले अंदर थे तो हमारे को इतनी दिक्कत नहीं थी। हाँ, लेकिन अब ये डीडो वालों ने जगह घेर दी है। हाँ, तो हम लोगों को बाहर मजबूरी में यहाँ लगाना पड़ रहा था। पहले हमारी जगह अंदर थी ये पीपल के नीचे, और हमारा जन्म कर्म यहीं हुआ है, हमारे माँ बाप ने यहीं पाला हमारे को। अच्छा, बारिश के समय में क्या हाल? बारिश के समय में ये रोड बिल्कुल कीचड़ से भर जाता है, कोई गाड़ी वाला यहाँ से निकले उनका पहिया स्लिप कटिए वो गिर पड़ते हैं। अब क्या कहेंगे अंकल जी, जिस तरह मंदिर के बगल में यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है, और बात तो बहुत होता है कि भगवान है धर्म के नाम पर हर कोई बात करता है, लेकिन काम देखिए क्या है, कूड़ा एकदम मंदिर के बगल बीचों बीच दो मंदिरों के बीच में कूड़ा है भैया, इसके लिए हम भी इसके खिलाफ हैं। हाँ, लेकिन हम इसके अगेंस्ट भी हैं कि भाई देखो मंदिर बनना चाहिए। हाँ, और जहाँ पुराना खत्ता है वहीं पुराना खत्ता बनना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि ऐसा है यहाँ जो फुल गुंडागर्दी है, कोई ऐसे मतलब किसी की कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन अपनी अपनी सुनता है, किसी दूसरे की नहीं सुनता। अगर कोई बंदा उनका हेल्प करता है तो वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, यहाँ पर ये कौन सा वार्ड पड़ता है? ये बसई दारापुर है, ये बसई दारापुर कैलाशपुर, ये बसई दारापुर है। पहले जो खत्ता ये यहाँ पे था, ये उसमें मछली मार्केट खोल दी गई है, और उसके बाद जो है वहाँ खत्ता खोला गया। अच्छा, जब चुनाव हुआ था MCD का तो नेता तो आए होंगे वोट मांगने, तो किसी ने दिखाई नहीं कि देखिए क्या समस्या है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। ये 151 बीघे जमीन है एकड़ में, इसका आज तक कोई रास्ता नहीं मिला, ना तो कोई यहाँ पे कोई बंदा आता है ना कोई कुछ आता है। 4 अफसर आए गए, 4 टीने लगवा दी, उसके बाद चले गए जी। उसके बाद सालों तक कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ इतना बुरा हाल है बसई के अंदर, अगर आप शाम को आप घुस नहीं सकते हो, गाड़ियाँ घुस नहीं सकती हैं, यहाँ कोई मनाही नहीं है किसी भी तरीके की।
तो मैं तो ये कहूँगा, देखो जी, अगर यहाँ पहले भी एक वारदात को अंजाम दिया गया था जिसमें कि हिंदू मुसलमान को लेके जो है एक लड़के की मौत भी हुई है बस्ती दारापुर में, उसको बल्कि नहीं याद करते ये लोग, लेकिन इस हिसाब से बहुत हैवी हो जाएगा मामला और कभी भी यहाँ मतलब लठ पिटाई होने के पूरे चांस हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, देखो जी, आप प्रशासन को ये चीज़ें दिखाओ ताकि प्रशासन जागरूक होए और यहाँ जितने भी ये जो बाहर से आते हैं रघुवीर नगर और ये तुम्हारे जितने भी बाहर से आते हैं, यहाँ इनको कोई एंट्री ना होनी चाहिए और यहाँ एक मंदिर, विशाल भव्य मंदिर बनना चाहिए। वो आपके माध्यम से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पे एक विशाल मंदिर, भव्य मंदिर बनना चाहिए जो कि एक अपने आप में एक मिसाल हो। और ये कूड़ा हटना चाहिए, और ये कूड़ा हटना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ये भक्त फिर पूजा कैसे करते हैं उनको? तो सर मैं ये कह रहा हूँ, वो कैसे आते हैं और वो लोग कैसे करते हैं, ये गरीब लोग हैं बेचारे, कैसे जीते हैं, समझे? तो इसमें मेरे को नहीं पता इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन इस समय जो है ये बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। अदरवाइज रोडों पर भी फैलती होंगी ये सब, क्योंकि जहाँ गंदगी है वहाँ पे बीमारियाँ भी है, आदमी नहीं निकल पाते हैं अदरवाइज, जबकि हमने सारी चीज़ें इनको दे रखी हैं, पार्किंग वगैरह भी दे रखी हैं। आप देखोगे रामगढ़ के इस रोड पे चले जाओ, आप पार्किंग मिलेगी, सब अनऑथराइज है, इसके बैक साइड में जितना भी है सब अनऑथराइज है, लेकिन उसको कोई नहीं डील करता, उसको कोई नहीं सुनता। मंत्री आते हैं, हाँ जी, कुछ अफसर आए, दिया लिया, आपने चले गए। अच्छा, केजरीवाल कहते हैं कि लंदन है, लंदन बनाएंगे दिल्ली को, लंदन ऐसी दिखती, कुछ नहीं बनेगा। हाँ। वो कुछ नहीं बनेगा, वो घबराता बस ही में आते हुए। हाँ। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक जिस टाइम ये सीएम के दौरान थे, तो एक लड़का था यहीं का, बसई का, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसने उनको चाटा मारा था, ठीक है, वो खुद बता देंगे इस बात को कि कौन लड़का था वो जिसने चाटा मारा था। और जबकि ये हाल है यहाँ का, ये देख लो, आप देख सकते हो आप यहाँ, इन गरीबों का क्या कसूर है बेचारों का, दो टाइम की रोटी कमाते हैं लोग, क्या कसूर है इन बच्चों का और इनका, बहन जो बताओ काम धंधे नहीं है, कहाँ है मोदी, हाँ बताओ, शिवचरण गोयल क्या कर रहा है हॉस्पिटल में, चरण गोयल वार्ड पास, हाँ जी, वो साले आदमी मरने लग रहे हैं हॉस्पिटल में, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ गाड़ी लेके, आदमी के ऊपर आदमी पड़ा हुआ बेड के ऊपर, कोई सुनवाई नहीं है। आज हेल्पलाइन नंबर मैंने किया तो वो भी बंद करवा दिया उसने। चीज़ों को लेकर बातें बहुत होती है कि सरकार ये काम कर रही है, सरकार वो काम कर रही है, हालात यहाँ पर लोग बयां कर रहे हैं और दृश्य तो अपने हालात अलग बयां कर रहे हैं, किस तरह दो मंदिरों के बीच एक कूड़ा दान यहाँ पर बना हुआ है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी, कैमरामैन अंकित के साथ मैं सुमित कुमार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।